चिकित्सक से शिक्षिका बनी डॉक्टर मांडवी से संपादक एनके मिश्रा की खास बातचीत। शिक्षक बनने के पीछे क्या कारण? एक अच्छे शिक्षक की सबसे बड़ी अहमियत क्या है? एक डॉक्टर एक टाइम में एक पेशेंट का इलाज कर सकता है और एक परिवार को खुश कर सकता है। अगर एक टीचर चाहे तो एक समाज को वो रूप दे सकता है जो लोग सपना देखते हैं। इसमें संतुष्टि वाली जो मैं बात करती हूँ बहुत ज्यादा है। जो आप अपने बच्चे के लिए चाहते हो, जब आप दूसरे बच्चे के लिए वही करने लगते हो तो फिर बात ही कुछ और हो जाती है। आपको शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक क्या प्राप्त किया और एक अच्छे शिक्षक कैसे छात्रों को प्रभावित करता है? एक अच्छा शिक्षक वो होता है, जैसे मेरे केस में क्या होता है, मुझे डॉक्टर होने के साथ फायदा क्या हो जाता है कि लोग जब मेरे से पढ़ते हैं तो मुझे लगता है अच्छा मैम से पढ़ेंगे तो डॉक्टर तो कम से कम बन ही जाएंगे। तो बिहार में आप जानते हैं डॉक्टर की क्या इम्पोर्टेंस है, वैसे तो पूरे समाज में वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक डॉक्टर की पहुंच बहुत, मतलब एक डॉक्टर से बहुत ज़्यादा पहुंच इच्छा की, दोनों दो चीज़ें हैं, दोनों बहुत वैल्यूबल है लाइफ के लिए। लेकिन इसमें वो एक मेरे भी जो भी बार बार जो शिक्षक याद आते हैं वो उनका इफेक्ट अभी भी मेरे ऊपर है। तो मैं वही चाहती हूँ कि हाँ एक अच्छा समाज बनाया जा सकता है टीचर के लिए। छात्रों को ऐसे शिक्षक बनाती हैं जो उन्हें भविष्य के लिए तैयार किए। आज की जरूरत तो सिर्फ आपको पॉलिटिकली अच्छे हो और आप अपनी भावनाओं को लोगों के बीच नहीं बोल पाते, ये फिर आप कुछ नहीं। जैसे आप अगर एक आईएएस भी बनना चाहते हो तो ऐसा तो नहीं होता है कि आप सिर्फ इंटरव्यू देते हो और इंटरव्यू नहीं किया कर दो फिर भी तो आपका फिर वैल्यू नहीं रह जाता। तो हमारे स्कूल में ये बहुत ध्यान दिया जाता है कि रिटर्न वर्क तो आपका अच्छा होना ही चाहिए और साथ साथ हम लोग इंटरव्यू राउंड भी करवाते हैं ताकि वो बच्चा जब फेस करे, रियल वर्ल्ड को फेस करे, उसे कोई लिख के कुछ नहीं पूछने वाला है, वो कैसे बोलता है, अपनी बात को कैसे रखता है। तो वही मेरा ज़्यादा मकसद रहता है कि आप प्रैक्टिकल कितने। आपकी कक्षा में संचार की प्रक्रिया कैसे होती है? पहले तो हम लोग प्रैक्टिकल बुक बेसिक है, प्रैक्टिकल आपको करवाना है, फिर हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास है और फिर हम लोग यूट्यूब वगैरह भी कुछ करते हैं। सब मतलब होल सम ग्रोथ की बात है। नवीनतम शैक्षणिक तकनीक का उपयोग कैसे? सफल होने के लिए क्या जरूरी है? आप किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आप जहाँ हैं वहाँ की प्रॉब्लम समझें और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे मैं यूरोप में तो हूँ नहीं कि मैं यूरोप के मेथड से ट्राई करूँ, मुझे मिथिला में मिथिला का ये इन्वायरमेंट में स्कूल है, इतनी गरीबी है यहाँ पर, इतनी अशिक्षा है कि कभी कभी तो जब मैं बात करती हूँ मुझे लगता है कि मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ। तो पहले मैं उनकी अब सुनने लगी, बनने के बाद मुझे सुनने का कला मेरे में ज़्यादा आया है क्योंकि वो वही करते हैं जो उनकी इच्छा होती है, गार्जियन वही करते हैं जो उनकी इच्छा होती है। तो थोड़ा बहुत अपना छाप छोड़ते हुए ज़्यादा उनकी सुनती हूँ और फिर बीच में कुछ माध्यम रास्ता निकलता है उस पर ट्राई किया जाता है। प्रगति को मापने का क्या माध्यम रहा है? दूसरा, कौन सी तकनीक को का उपयोग करते हैं? हम लोग तो सीबीएसई पैटर्न के स्कूल हैं तो ये कैसे हम लोग को आदेश निर्देशक किया जाता है उधर से, सबमिटिव एग्जाम होता है, फॉर्मेटिव एग्जाम होता है, वही जो सीबीएसई रूल्स होते हैं। शिक्षा के माध्यम से आप विद्यार्थियों के जीवन में क्या असर डालना चाहते हैं? हमारे नाम से ये क्लियर है कि हम क्या चाहते हैं। नाम बहुत कुछ चुना जा सकता था सारे, देखिए अभी तो जितने भी स्कूल हैं सब लोग जो नाम चुनते हैं जिससे वो बोलना चाहते हैं कि इसमें कोई मुश्किल है, सही बात है कि इसकी वैल्यू तो है ही समाज में, लेकिन हमारे नाम में ही है कि हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसा बच्चा बने जो अंदर से संस्कारी हो और ऊपर से बोल दो, ये कॉम्बिनेशन चाहते हैं। शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? एक, दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में सफल होने के लिए क्या किसी विशेष कौशल की आवश्यकता होती है? किसी भी जगह आप सफल होने के लिए ना पहले समाज की प्रॉब्लम को समझिए। प्रॉब्लम है कि गरीबी बहुत है, अशिक्षा बहुत है और जॉब भी बहुत कम है। तो आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना होगा, आपके पास कुछ एक्स फैक्टर आप में डेवलप होना होगा, तभी आपकी पहुंच।
ये भी बात फिक्स है कि नंबर वन की चेयर हमेशा खाली रहती है और चेयर हमेशा अपने उचित वारिस को खोजता रहता है। तो आपको प्रयास अगर रहेगा तो आपको वो मिलेगा। नहीं तो कहीं अगर आप ऊपर स्थाई के लिए भी करते हो कहीं तो जाओगे ही, ऊपर ही जाओगे। आप सोचो बड़ा, करो बड़ा, कहीं तो पहुँच ही जाए। स्कूल के स्थापना किस संघ में स्थापना की? 2019 बच्चों के शिक्षा दीक्षा देने में उनकी किस तरह की भूमिका है, उसको कैसे आप किस मापदंड से आप चेक करते हैं? परिवार का मुखिया कैसा रहता है, उसे परिवार का माहौल तक समझ में आ जाता है। हम लोग अगर आ गए एक बार क्लास में तो ऐसा नहीं होगा कि मैं अपनी चेयर पर बैठी रहूँगी। हम लोग क्लास में घूमते रहते हैं, जहाँ जो कमी महसूस हुआ वो बोलते रहते हैं और बीच बीच में हमेशा टीचर को गाइड करते रहते हैं अलग से। हर सैटरडे को हमारे यहाँ मीटिंग होती है टीचर्स की, ये गलती हो गई, या पेरेंट्स हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में रहते हैं, एक भी गलती हुई क्योंकि इंसान है गलती होती ही है, तो फीडबैक पे काम करते हैं और शिक्षक को भी बोलते हैं कि देखिए हम सब रोज़ नया कुछ सीख रहे हैं, मेरे सजेशन को अदरवाइज नहीं लीजिए। और इसीलिए जानबूझकर मैं भी कभी कभी क्लास लेती हूँ, मुझे पता चले कि और कुछ कहाँ क्या गुंजाइश रह गई तो मैं बीच बीच में क्लास नहीं लेती। 3 साल आपने 3 साल यहाँ स्कूल चला लिया, अभी तक जो ट्रेनिंग हो रहा, इस बीच में कोई ऐसा टोटल टिपकल हो जो आपको बहुत बड़ा चैलेंजिंग दिखा हो, जिसको आपने बड़े ही मतलब तरीके से फेस किया हो और उसको पार करके आगे? बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड और सप्लाई का यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लोग दूसरे स्टेट से टीचर ले आते हैं। शुरू में वो बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा केरल के टीचर से पढ़ेगा तो कहीं असम के टीचर से पढ़ेगा, और हम लोग नहीं ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करते क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ हमारे पास इतना टैलेंट है जो बस थोड़ा सा निखारने की ज़रूरत है, पॉलिश होने की ज़रूरत है। तो टीचर हम लोग कोशिश करते हैं कि पढ़े लिखे ज़्यादा हो, देन की बस उनका नाम कैसा और आप कैसा है उससे मतलब हाँ, अगर मेरे सारे टीचर टैलेंटेड होंगे, अब जैसे अगर कोई यहाँ पर डॉक्टर है, जैसे मैं ही क्लास में, कोई MBA ले रहा है, कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, तो कोई सिविल इंजीनियर है, ऐसे ही लोग हमारे यहाँ टीचर, तो अगर वो बिहारी होंगे तो उनकी गलती होगी। अच्छा देख दूसरी चीज़ है, जैसे हम कोई प्रतिष्ठान बोलते हैं, कोई बिजनेस पॉइंट बोलते हैं, कोई चीज़ बोलते हैं, तो हमारे हिसाब से हमारी सोच ये होना चाहिए कि हमारे जो लोकल लोग हैं जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ भी अगर अच्छे लोग इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग जिनके पास स्कॉलर्स हैं, डिग्री हैं, बहुत सारे हैं लोग हैं जिनके पास डिग्री अच्छी, हम उनको यूज़ क्यों नहीं करें? इससे दो चीज़ होगा कि आपकी स्कूल में अच्छी माहौल में मदरस मिलेगी और उनका भी उनको भी मुझे ठीक है। और हाँ यस, अगर कैपेबल हो तो हमको लगता है कि लोकल लोगों को भी मौका देना चाहिए। हाँ इसी सोच रहना चाहिए कि नहीं हम केरल से लाएंगे या महाराष्ट्र से लाएंगे या हैदराबाद से लाएंगे, उसके प्रति लोगों को ध्यान जा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। लोगों को समझाने की बात बात होती है, पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी, कि जो लोग मतलब पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, लोकल ही हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए भाई, उनसे ज़्यादा समझेंगे क्योंकि उनकी उनका परिवेश सेम है, उनके रहन सहन सेम है। तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ आप मानते हैं मेरी सरकार के लिए होना चाहिए। बात करते हैं क्योंकि आसपास ऐसे स्कूल हैं जो ये बोलते हैं कि हमारे टीचर बाहर से हैं, तो हम उनका कहना है कि वो इंग्लिश ज़्यादा सीखा पाते हैं, पर मैंने देखा है कि अगर हम चाह लेते हैं तो हमें लोकल में ऐसे ऐसे टीचर मिलते हैं जो इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं कि नहीं फिर पता नहीं चलता वो टीचर केरल से हो या आंध्र प्रदेश से, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें हम तीनों भाषाओं पर काम करते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं तो भाई मैथिली क्यों नहीं बोलेंगे, मैथिली हमारी है मातृभाषा है, हिंदी में भी बात करते हैं और जहाँ इंग्लिश बोलना बिल्कुल इंग्लिश में बोलते हैं, तो तीनों भाषाओं की अपनी अपनी महत्ता है। देखिए हमें ये समझना होगा कि हम अपने प्रदेश और अपने जो जहाँ पर हम रह रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, यहाँ के लोगों को इग्नोर करने की जगह हम ये भी सोच रहे हैं कि दूर से लोग को लाएंगे तो बढ़िया बोलेगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। भाषा यहाँ भी ठीक हो सकता है, यहाँ के लोग को ग्रामेटिकली या फिर जिस चीज़ पर कंट्रोल ज़्यादा होता है, काफ़ी लोग उधर के लोग होते हैं, बोलते तो बहुत फ्लुएंट हैं, लेकिन हम लोग जितना यहाँ के लोगों की जितनी शुद्धता होती है, जितना पकड़ लैंग्वेज पर होता है, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अच्छे लोग हैं जिनकी अच्छी पकड़ है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, उनको बेसिकली मौका मिलना चाहिए, मौका देने की बात होना चाहिए, जो नहीं दे पाते हैं बड़े बड़े शहर में स्कूल खुल गया और उन लोगों का एक दिमाग में इससे माइंड सेट हो गया है कि नहीं बाहर वो टीचर लाएंगे तो हमारे स्कूल का नाम होगा और एजुकेशन अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं है।
यहाँ भी बहुत सारे लड़के हैं टैलेंटेड हैं जिनको आप यूज करके देखिए, उनको मौका देकर देखिए, देखिए वो आपको स्कूल को भी दिखा रहे, उसकी तो अपना टाइम भाई उसकी जो नीड है वो पूरा हुआ, लेकिन उसकी नीड के साथ आपके स्कूल क्या आपके बच्चे का फ्यूचर सब मापदंड है, पैमाना है, उसको तोड़ना चाहिए ना, जो बहुत जरूरी है। हम तो देखे हैं कि कई स्कूल में गए हैं, एकदम नॉर्मल परिवार का लड़का है, इतना बढ़िया उसकी शैली पढ़ाने का तरीका है कि बच्चे लोग उससे बहुत सैटिस्फाइड है ना, कि ठीक है वो बढ़िया पढ़ाते हैं, टीचर बहुत अच्छे हैं, और वो घूम के पढ़ाता है, उसको सब कुछ है ना, बच्चों को एकदम हार्ड पोजिशन भी चाहिए, उनको घूमना मिलना भी चाहिए, जो टीचर पढ़ाए भी है उसको इंटरटेनमेंट भी कराए, तमाम तरह की चीज़ें करें, क्लास सब कुछ मिले। अब तो आज के में अगर मेरा टीचर सीटेट निकाला हुआ है या डी एल एड किया हुआ है, एम एड है, डी एड है, तो फिर वो क्यों आप उसको छाटेंगे कि वो बिहारी है? ऐसा नहीं है, वो सारे रूल्स वो भी फॉलो कर रहे हैं, बस एक पता ना कि लोगों को लगता है कि हाँ बाहर से आया है तो ज़्यादा टैलेंटेड होगा। मुझे मैं इस बात से सहमत हूँ कि मेरी खुद की पढ़ाई बाहर हुई है और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे क्लासमेट्स बहुत ज़्यादा जानते थे और मैं कम जानती हूँ। हाँ ये बात तो फिर भी सही है कि दूर का ढोल सुहावना होता है और अभी आसपास यही माहौल है, फिर भी मैं लगी हुई हूँ कि मुझे यहीं के टीचर से पढ़वाना अच्छा लगता है। आप बहुत सक्सेस होंगे और आपकी जो प्रशासन जब शुरू से आपने स्कूल की स्थापना की थी तब से मैं लगभग कच में हूँ, मैं छोटे छोटे गुणों में भी कई बार आया हूँ आपके, और आपके जो तरीका था उसी से वहाँ से यहाँ तक आने का जो सफर तय किया आपने, आपने अपने पूरे जो आपकी आपके विशेष थे, आप कमिटेड थी और आप एक डिसिप्लिन लेवल में सब कुछ किया, इस कारण से आप यहाँ तक पहुँचने, और अगर यही सब चीज़ ठीक रहा तो आगे भी बहुत बड़ा मौका मिलेगा आपको, ये मेरी शुभकामना थी आपके, आपको हमारी तरफ से हर तरह से आपको सपोर्ट जरूर मांगते हैं। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।